अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? ठीक हो? बड़े दिनों बाद वीडियो में आपसे बराए रास्त हूँ। उम्मीद है खैरियत से होगे। आज हम अपने पिछले लेसन को कंटिन्यू करेंगे, उससे मज़ीद जो पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि गिव इट इम्पोर्टेंस। बहुत अहम चीज़ें इंतहाई आसान तरीके से पढ़ाने की जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, उसके ये लेसन चल रहे हैं। सबसे पहले इज़मार पढ़ा, वाज़वर पढ़ा, और विल बी, शल बी, हैव हैज़, हैड, शल हैव, विल हैव, फिर उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में आए। ठीक है ना? फार्मूला था, पहले वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, ईट फूड, ड्रिंक वाटर, प्ले क्रिकेट, स्वीप द फ्लोर वगैरह वगैरह। और नेगेटिव में डू नॉट का इजाफा होता है तो वो इनकारिया बन जाता है। क्लियर है? सबसे पहले ये भी जहन में रखें, जुमला वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं जुमले में। इम्परेटिव में एक कम हो जाती है। अच्छा, इम्परेटिव में सिर्फ एक कम नहीं होती है, इसमें ये भी कम हो जाता है, सिर्फ एक, ये वर्ब, ये भी जुमला है। ठीक है जी? ईट मीन खाना, प्ले मीन खेलना, कुक मीन पकाना, कम मीन आना, नहीं है। कुक मीन पकाना, नहीं है। गो मीन जाना, नहीं है। ये पूरी बात है, ये एक जुमला है इम्परेटिव में। ईट खाओ, ठीक है, प्ले खेलिए, खेलो, कुक पकाओ, कम आओ। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि कम मीन आना, नहीं जी, कम खुद एक वर्ब है, आओ एक पूरी बात है। अच्छा जी, इसमें इनकारिया कैसा होगा? इसमें भी डू नॉट का इजाफा हो जाएगा। मत खाओ, मत खेलो, मत पियो, मत सो। ठीक है जी? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमारा इम्परेटिव लेसन पूरा। वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ईट फूड निगेटिव, डू नॉट लग जाता है। अच्छा जी, इसमें से ऑब्जेक्ट भी हटा दें, मतलब जो खा रहा है, जो पी रहा है, जहाँ जा रहा है, उसका जिक्र ना हो तो भी तो एक बात है ना, कि आप जाएँ, आप खाएँ, आप खेलें, आप नहाएँ, आप बैठ जाएँ, ये भी इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ईट, प्ले, कुक, कम। अच्छा, इसका इनकार ये कैसे होगा? डू नॉट लगने से, डू नॉट ईट मत खाइए, डू नॉट प्ले मत खेलिए, डू नॉट ड्रिंक न खाइए। ठीक है जी? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंस देंगे, कमेंट्स भी करेंगे, पूछेंगे भी, बताएंगे भी, राय भी देंगे, कैसे हम अपनी वीडियो में बेहतरी लाएँ, कैसे हम अपनी टीचिंग में बेहतरी लाएँ। मैं तो खुद भी सीख रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए। ठीक है ना? कामिल कोई नहीं होता। और अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।